अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो पोस्ट करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं चैनल में हूँ शुभम और आप देख रहे हो टेक्निकल शुभ यूट्यूब चैनल। तो आज है टेक न्यूज नंबर 7, न्यूज 7, टेक्नो 7, जो भी है बस आपका प्यार दिखाते रहिए, एक लाइक कर दीजिए। अगर आप देखते हो वीडियो को आपको पसंद आता है, थोड़ा भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है टेक्नोलॉजी के बारे में, एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे को आपसे और कुछ नहीं चाहिए, खाली एक लाइक एक सब्सक्राइब ही चाहिए, तो वो आप कर दिया करें ताकि हम मोटिवेट होते रहे। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। सबसे पहले जो खबर आ रही है वो आ रही है एलजी की तरफ से। एलजी भी शायद तक आने वाले अपने फोन्स नॉच के साथ ला सकता है, ऐसा मानना है कंपनी उसका, पर कह नहीं सकते, शायद लावे शायद ना लावे, जो भी है जैसा भी है देखने को मिल जाएगा जब एलजी फोन लॉन्च करेगा अपना। उससे पहले कल हम लाइव आने वाले हैं तो हमारा लाइव का जो भी क्वेश्चंस है आपका, वो आप मेरे फेसबुक पेज पे एक पोस्ट किया है मैंने, उसके नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि वो पोस्ट और वो जो कमेंट है उसके आंसर्स आपको मैं सबसे पहले दो वीडियो शुरू होते ही, तो आपको प्रायोरिटी रहेगी, तो उधर आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, नहीं तो आप हमें लाइव में भी पूछ सकते हैं। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। जो भी एक्सबॉक्स है माइक्रोसॉफ्ट का और भी स्काइप है, अलग अलग प्रोडक्ट है, वहाँ पे से अब वो जो फ्रॉड लैंग्वेज गंदी लैंग्वेज होती है उनको हटाने वाला है। कई गेम्स के अंदर ऐसी गंदी लैंग्वेज होती है, कई चीज़ों के अंदर ऐसी गंदी लैंग्वेज होती है, तो उस सब चीज़ों को अभी माइक्रोसॉफ्ट हटाने वाला है, तो देखो क्या करता है माइक्रोसॉफ्ट। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है हुआवे की तरफ से। हुआवे ने शिफ्ट किए 153 मिलियन स्मार्टफोन्स हुआवे ने शिफ्ट किए थे 2017 के अंदर, ऐसा एक सर्वे निकला और जहाँ पे पता चलता है कि हुआवे ने 153 मिलियन स्मार्टफोन ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना सेल्स किया है। तो हुआवे भी धीरे धीरे अपनी कदम बढ़ा रहा है और जो हुआवे का P20 है अगर वो इंडिया के अंदर जल्दी ही और अच्छे प्राइस के अंदर लॉन्च करता है तो वो दे सकता है S9 को एक कड़ी टक्कर बिल्कुल ही मिल सकती है S9 को। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है चाइना की तरफ से। चाइना ने जो भी जितने भी कंपनी है जहाँ पे वो चिप्स बनाती है चाइना के अंदर, जो भी प्रोसेसर होते हैं उसके लिए जो टैक्स था वो कम कर दिया। तो भाई अगर ऐसा करोगे चाइना वालों तो इंडिया के अंदर कैसे आएंगे चिप्स मेकर, जो भी चिप्स मेकर है, चिप्स मेकर वो खाने की चिप्स की बात नहीं कर रहा, फोन के अंदर डलने के प्रोसेसर की चिप्स की बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पे उसके ऊपर जो टैक्स था वो ऑलरेडी कम कर दिया, तो इंडिया में तो आना अभी मतलब नामुमकिन ही है। चाइना के अंदर ही सब अपनी अपनी कंपनियां बनाएंगे, वहाँ पे उधर से बना के डब्बे में डाल के दे देंगे, तो देखो भी क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप पे अभी एक नया फीचर आया है, अगर आप नंबर चेंज करते हो तो काफी आसान हो जाता है, पहले क्या अनइंस्टॉल करो फिर इंस्टॉल करो नए नंबर से फिर सबको नंबर दो, अब वैसा नहीं है, अब आपको खाली व्हाट्सएप के अंदर जाके ही आप तुरंत अपना नंबर उधर से ही चेंज कर सकते हो और लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका नंबर चेंज हो गया। इसके बारे में एक वीडियो जल्दी ही आपको बताने वाला हूँ, जल्दी बना के एक वीडियो आपको बताने वाला हूँ इसी चीज के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है Moto G6, Moto G6 Plus, Moto G6 X, जल्दी ही लॉन्च होने वाला है Moto G सीरीज का एक नया फोन जो कि होगा G6, जो कि दे सकता है Xiaomi को एक कड़ी टक्कर, जो कि दे सकता है Nokia को एक कड़ी टक्कर, जो कि दे सकता है आपके Oppo Vivo को एक नई टक्कर। तो जल्दी ही लॉन्च होने वाला Motorola का फोन, उसके कैमरा तो अच्छे होते ही होते हैं, स्टॉक एंड्रॉइड भी काफी अच्छा होता है, प्राइस अच्छी होना है तो भैया मजा आ जाएगा फोन लेने का। तो फोन हमारा अगला अगर Xiaomi Redmi Note से कोई अपडेट होगा, अगर अच्छा स्पेसिफिकेशन अच्छे प्राइस में लॉन्च करता है तो वो शायद Moto G6 भी हो सकता है। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है जियो की तरफ से। जियो ने कल टीज किया था कुछ ऐसा बैटरी, मतलब ऐसे आप देख इमेज के अंदर देख सकते हो, वो इमेज टीज किए तो उससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जियो अपना जल्दी ही एक बैटरी सेवर ऐप भी लेके आ सकता है, जल्दी ही एक बैटरी सेवर ऐप लेके आएगा जियो की, ये अप्रैल फूल हो क्या हो हम कुछ कह नहीं सकते। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है काउंटर स्ट्राइक की तरफ से। काउंटर स्ट्राइक का जो ऑफेंसिव रिसीव्ड ट्रेड जो था वो इंडिया में आ चुका है, तो अगर कोई काउंटर स्ट्राइक खेलता है तो वो जाके देख सकता है और जाके ले भी सकता है। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है मोटोरोला की तरफ से। मोटो का Z3 भी जल्दी लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर, तो देखो Z2 ने तो कमाल किया नहीं, छोटू सा फोन लॉन्च कर दिया बिना इवेंट के, देखो Z3 कैसा फोन है, क्या कमाल धमाल लेके आता है मोटोरोला इस बार, और ये कंफर्म हो चुका है। अगली जो खबर आ रही है ये कंफर्म हो चुका है कि OnePlus के अंदर आपको नॉच गारंटी देखने को मिलेगी, तो नॉच तो होगा, पीछे ग्लास होगा कि नहीं होगा वो मालूम नहीं, पर 3.5mm जैक भी आपको देखने को मिलेगा, 3.5mm जैक कंफर्म, नॉच कंफर्म, ड्यूल कैमरा कंफर्म,
देखो अभी क्या आप प्राइज में लेके आते हैं, क्योंकि प्राइज शायद अब की बार आपके और हमारे फेवर में ना हो। और जो आखिरी खबर आ रही है वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का जल्दी ही आ सकता है, हर बार से काफी जल्दी आ सकता है सैमसंग का नोट 9, क्योंकि एस 9 को उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं, उतना बिका नहीं जितना सैमसंग ने सोचा था। तो अब जल्दी ही आ सकता है सैमसंग का नोट 9। तो अगर अभी तक आप नोट 8 यूज कर रहे थे तो नोट 9 पे बदलने का मौका आ चुका है। तो वेट कीजिए, 1-2-3 महीने के अंदर सैमसंग अपना जल्दी ही नोट 9 लॉन्च कर सकते हैं। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही। एक लाइक, बस एक ही लाइक मैं कह रहा हूँ। जो नीला बटन है उसको आप, जो ग्रे बटन है उसको आपको नीला करना है, और जो लाल बटन है उसको भी नीला करना है, ग्रे करना है। तो बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियो में हम मिलेंगे अगली बार। तो जय हिंद, वंदे मातरम।